दोस्तों, अगर आप टेली सॉफ्टवेयर सीख रहे हो या फिर टेली सॉफ्टवेयर सीख के अभी आपने किसी कंपनी में जॉब की शुरुआत करी है, तो आपने उस कंपनी में परचेज वाउचर, सेल वाउचर, जर्नल, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इन सब वाउचर का यूज आपने जरूर किया होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टेली सॉफ्टवेयर में एक ऐसे वाउचर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मेमोरेंडम अकाउंटिंग वाउचर। तो दोस्तों, मेमोरेंडम अकाउंटिंग वाउचर का जो यूज है, वैसे किसी भी कंपनी में अकाउंटिंग पर्पज से इसका यूज नहीं होता, लेकिन इस वाउचर का जो यूज जो अकाउंटेंट करते हैं तो उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, अगर आप टेली सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हो, अकाउंटिंग में अपना स्किल और ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो से आपको मेमोरेंडम वाउचर में किस प्रकार की एंट्रियां करी जाती है वो आज आपको मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर टेली सॉफ्टवेयर और बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिकल वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट अकाउंटिंग आरसनार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जो कंपनी टेली सॉफ्टवेयर में अभी ओपन है तो उसमें अभी आप देख रहे हो नो वाउचर एंट्री, यानी कि कोई भी वाउचर की एंट्री हमने इस कंपनी में अभी तक नहीं करके रखी हुई है। तो हम इसको वेरीफाई करने के लिए हम एक बार डे बुक में भी जाके देखेंगे। तो हम गेटवे टेली पर जाएंगे और इसके अंदर डे बुक के ऑप्शन पर जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे। हम इसको एल्ट F2 के साथ इसका पीरियड है वो भी हटा देंगे, फ्रॉम 2 से लेके एंड तक। तो आपके सामने यहाँ पर भी कोई नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब हमने कोई भी एंट्री यहाँ पर करके नहीं रखी हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मेमोरेंडम वाउचर के बारे में बात करेंगे भी इसका यूज कब किया जाता है और इसका कितना बेनिफिट अकाउंटेंट को मिलता है। तो दोस्तों, जैसे भी हम मेमोरेंडम वाउचर का यूज करते हैं तो इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है मेमोरी का, यानी कि मेमोरी का मतलब एक याददाश्त के लिए। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में होती है जो हमें करनी होती है, लेकिन अभी उसका हमें कोई आइडिया नहीं होता भी उस अमाउंट के ऊपर कितना एक्सपेंसेस लगे या कितनी अमाउंट का वो खर्चा होने वाला है या कितनी अमाउंट की रिसिप्ट होने वाली है, कितनी अमाउंट की वो पेमेंट होने वाली है। लेकिन रिसिप्ट होगी, पेमेंट होगी या एक्सपेंसेस होगा, ये 101% तय होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आपका जो हेड ऑफिस नई दिल्ली में है, आपने अपने मैनेजर को किसी काम के पर्पज से जयपुर के लिए भेज दिया। अब आपको ये नहीं पता भी जयपुर जाने में, वहां पे रहने में कितना एक्सपेंसेस कंपनी का लगेगा, लेकिन आपने अपने मैनेजर को एक बार राउंड फिगर में 10,000 रुपये की पेमेंट है जो कर दी भी, जितने आपके लगे आप लगाना, बाकी हमें वापस आके डिपॉजिट करवा देना। या फिर आपने कई बार ऐसे किसी एम्प्लॉय को या किसी कस्टमर को आपने पेमेंट कर दी होती है, लेकिन उस कस्टमर ने बोला भैया आपको मैं 2 या 3 दिन बाद में इसकी पेमेंट है जो आपको रिटर्न कर दूंगा मैं, लेकिन आप बाद में इतनी अकाउंटिंग वर्क करते हो, इतनी भागदौड़ी रहती है, तो कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होते हैं जो हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये याद नहीं रहता भी हमने कौन से कस्टमर को पेमेंट दी थी और उसने हमें वापस रिटर्न करने का वादा है जो कितनी तारीख तक का किया हुआ है। तो हम इस टाइप की एंट्री को इन फ्यूचर की प्लानिंग से उसको हम मेमोरेंडम में एक बार डाल देते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो जो भी एंट्री हम इस मेमोरेंडम वाउचर में करते हैं उसका अकाउंटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, न तो उसका कोई ट्रेडिंग अकाउंट पे इफेक्ट आएगा, न कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इफेक्ट आता है, और न ही कोई हमारी बैलेंस शीट पे इफेक्ट आता है। अब कैसे नहीं आता, इसके लिए हम देखते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप टेली सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आपको मेमोरेंडम वाउचर है जो मिलेगा कहाँ से, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, बाकी जो मेन वाउचर होते हो जो ज़्यादातर यूज होते हैं उसका जो डिस्प्ले है यहाँ पर आपको मेन स्क्रीन पर दिख जाता है। अगर आपको मेमोरेंडम वाउचर चाहिए टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, तो आपको यहां से शॉर्टकट F10 यूज करना पड़ेगा, या फिर आप अदर वाउचर पे जाके इस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे हम अदर वाउचर पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे जो भी अकाउंटिंग वाउचर है आपको यहां पर शो करेंगे। अब दोस्तों, जैसे कि आपको यहां पर स्क्रीन पे ये मेमोरेंडम वाउचर शो कर रहा है, अगर आपको यहां पर मेमोरेंडम वाउचर ये शो ना करे तो आपको यहां पर शो इनएक्टिव जो शो आ रहा है इस पर आपको इंटरप्रेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो वाउचर एक्टिव नहीं है उसकी लिस्ट भी आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब जैसे कि आपको ये कुछ एक वाउचर है जो इस तरीके की, यानी कि वो अनहाइलाइट से हो रहे हैं, इसका मतलब ये सारे वाउचर है जो एक्टिवेट नहीं है, और जो आपको थोड़ा सा डार्क दिख रहे हैं इसका मतलब ये वाउचर ऑलरेडी एक्टिव है, इसको एक्टिव करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये एक्टिव नजर नहीं आ रहे तो आपको सिंपल इस वाउचर पर डबल क्लिक डबल इंटर करना पड़ेगा और उसके बाद में आप इसको एक्टिव कर सकते हो।
जैसे कि आपको मैं प्रैक्टिकल के लिए, जैसे ये रिवर्सिंग जर्नल वाउचर है, इसको हम अगर एक्टिव करना चाहें तो हम इस पर आके इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की विंडो ओपन होगी। तो इसमें आपसे परमिशन मांगी जाएगी भी आप इस वाउचर को एक्टिव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर आप एक्टिव करना चाहते हो तो एक्टिव नाउ, यानी कि हमको यस करना है। तो जैसे ही हम इस पर इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये, अगर हम अदर वाउचर पे जाएंगे तो आप देख रहे हो जैसे कि जो हमें अनहाइलाइट से दिख रहा था अब वो भी इस तरीके से डार्क कलर में हो जाएगा। इसका मतलब अब ये रिवर्सिंग जर्नल वाउचर एक्टिव हो चुका है। तो हम चलते हैं हमारे मेमोरेंडम वाउचर पर, एंटर प्रेस करेंगे। तो एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये मेमोरेंडम वाउचर है जो ओपन हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि अभी अभी एग्जाम्पल के लिए देखा था, अभी हमारे मैनेजर को हमने आउट ऑफ स्टेट में किसी काम के लिए भेजा है। जैसे हमारे पास एक एम्प्लॉई है या जो मैनेजर है उसका नाम अजय कुमार का है, तो हमने एक बार राउंड फिगर में उसको 10,000 रुपये की पेमेंट करी है। हमने 10,000 रुपये यहाँ पर पेमेंट किया और यहाँ पर इसको केस कर दिया। और अब यहाँ पर हम इसको एक नरेशन लिख सकते हैं भी, एडवांस पेमेंट अगेंस्ट कोई भी मीटिंग हो सकती है या कोई भी आपके जिस भी बिजनेस के वर्किंग के पर्पज से जा रहा है, वो हम डाटा यहाँ पर नरेशन में लिख सकते हैं और हम एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों हमने इस वाउचर में एंट्री करी है, तो इसका ये जो एंट्री है आपको डे बुक में जरूर शो होगी। डे बुक पर हम जाएंगे तो आपको देखो यहाँ पे डे बुक में ये एंट्री आपको अभी आ रही है मेमोरेंडम वाली, जो अभी हमने 10,000 रुपये की एंट्री करी थी। लेकिन अगर इसका हम इफेक्ट देखें तीनों फाइनल डाटा पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी डाटा नजर नहीं आ रहा है किसी भी अमाउंट का। इसका इफेक्ट हम बैलेंस शीट पे देखें तो आपको बैलेंस शीट में भी ये जो अमाउंट है वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। तो सेम दोस्तों इसका इफेक्ट हम देखते हैं, अगर हम अजय कुमार को सेम ये एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते, जैसे कि हमने F5 पेमेंट किया है और हमने एक नंबर वाउचर यूज किया और अजय कुमार को हमने 5 रुपीज की हमने पेमेंट करी है और हम कैश करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये जो 5 रुपीज की एंट्री है वो भी हमें डे बुक में शो होगी उस 10,000 के अमाउंट के साथ में। तो इसका जो इफेक्ट है आपको ये बैलेंस शीट पर देखने को जरूर मिलेगा। हम बैलेंस शीट पर जाएंगे और आप देख रहे हो इसकी जो 5 रुपीज की एंट्री है वो यहाँ पर सेंट्री डेप्टर में भी आ गई है, यानी कि ओनली फॉर पेमेंट वाउचर में जो एंट्री करी थी 5 रुपीज की वो ही हमें बैलेंस शीट में शो हो रही है। 10,000 रुपये वाली एंट्री का इफेक्ट अब कहीं भी आपको शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अब ये इसलिए नहीं करा क्योंकि आपने फॉर एक याददाश्त के लिए वो एंट्री करी है। अब दोस्तों जैसे भी आपको बाद में पता देखना हो, टोटल ट्रांजैक्शन आपको देखनी होगी अभी तक आपने मेमोरेंडम वाउचर में कितनी ट्रांजैक्शन कर दी है, तो उसको भी हम देखें। सबसे पहले हम एक वाउचर की एंट्री और कर लेते हैं, वाउचर पे जाएंगे और हम मेमोरेंडम वाउचर को यूज कर रहे हैं। दोस्तों अब मेमोरेंडम वाउचर का हम यूज जो कर रहे हैं वो इसलिए यूज कर रहे हैं भी हमारे एक कस्टमर है बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। अब बालाजी ट्रेडिंग कंपनी ने हमें ये बोला भी आप हमें 5,000 रुपये एक बार उधार दो, हम इसका जो रिटर्न है आपको 1 मई 2021 में कर देंगे। तो दोस्तों अभी जो हम एंट्री जो कर रहे हैं वो 1 अप्रैल 2021 में कर रहे हैं और कस्टमर ने हमारे से जो वादा किया वो 1 मई 2021 में पेमेंट रिटर्न करने का वादा किया है। लेकिन आप अकाउंटेंट हो, काफ़ी सारी जिम्मेवारियां आपके ऊपर रहती है, तो आप ऐसी जो एंट्री है वो भूल जाती हो भी कौन सा पैसा हमने कस्टमर को कब दिया है और कस्टमर ने जो पेमेंट रिटर्न का जो वादा है वो कौन सी डेट का है। तो ऐसी स्थिति में हम एक बार इसकी जो एंट्री है हम यहाँ पर बालाजी जो हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉई है बालाजी और 5,000 की रुपीज़ के हम पेमेंट उनको करेंगे और यहाँ पर करेंगे केस, इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं इसकी एडवांस पेमेंट। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर भूल गए या हम इसके साथ नरेशन में ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं भी एडवांस पेमेंट और इसकी जो रिटर्न की जो डेट है वो 1 मई 2021 है, यानी कि ये हमने नरेशन में लिख दिया हमारे याददाश्त के लिए और सेव कर दिया। अब उसके बाद में इस तरीके से आपने कुछ और भी एक्सपेंसेस है जिनकी एंट्री आपने मेमोरेंडम वाउचर में कर दी, रिसिप्ट की भी हो सकती है, कुछ ऐसा कस्टमर हो जो आपने पहले ही कह दिया भी आपने हमें सामान दो इसकी जो पेमेंट आपको मैं नेक्स्ट मंथ की इतनी तारीख तक पेमेंट कर दूंगा, तो लेकिन अभी तक पेमेंट आई नहीं है, उसके लिए हम मेमोरेंडम वाउचर में उसकी एडवांस में एंट्री डाल के रख सकते हैं ताकि हमें याद रहे भी इस कस्टमर ने भी हमारे से वादा किया हुआ है भी इस सामान के बदले में हम आपको पेमेंट है जो इतनी तारीख को कर देंगे। लेकिन अभी हमने
टोटल अगर आपको ये देखना हो हर मंथ के एंड में या जैसे भी आपको टाइम मिले भी, हमने मेमोरेंडम वाउचर में कितनी एंट्रियाँ कर रखी है और कौन कौन सी एंट्रियाँ जो क्लियर हो चुकी है। तो दोस्तों टोटल वाउचर हमें देखने के लिए मेमोरेंडम वाउचर, इसके लिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आएंगे और उसके बाद में आपको ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिलेगा एक्सेप्शंस रिपोर्ट पर। इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे और आपको यहाँ पर वाउचर मिलेगा मेमोरेंडम वाउचर। इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है भी अप्रैल में आपने दो वाउचर की एंट्री कर रखी है मेमोरेंडम। एंटर प्रेस करेंगे तो दोनों एंट्री आपको यहाँ पर शो करेगा। तो दोस्तों अब जैसे हमारा जो पहली ट्रांजेक्शन हमने करी थी अजय कुमार वाली भी, जो हमारा मैनेजर था कंपनी का, उसको हमने 10,000 रुपये की एडवांस पेमेंट करी थी मीटिंग के लिए। अब बाद में हमें पता चला भी इसकी जो एंट्री है वो 2-4 में क्लियर हो रही है और जो टोटल पेमेंट थी वो 9,000 रुपये ही उसके एक्सपेंसेस लगे हैं। तो दोस्तों इस वाउचर को हम यहीं से ही 9,000 करेंगे और F5 के साथ यहीं पे इसको पेमेंट वाउचर में ही कन्वर्ट कर देंगे। हमने 9,000 रुपये की पेमेंट इसको यहीं पे इसको एंट्री को अमाउंट को चेंज किया और इसको 9,000 रुपये की अमाउंट को जो पेमेंट वाउचर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से इसका नरेशन को अगर आप चेंजिंग करना चाहो तो हम कर सकते हैं भी, यहाँ पर ये लिख सकते हैं भी टोटल एक्सपेंसेस जो आया है हमारा वो 9,000 है भी, ये किसके रिगार्डिंग आया है भी, जयपुर मीटिंग है। इंटरप्रेस करेंगे तो जैसे हम इंटरप्रेस करेंगे तो मेमोरेंडम वाउचर में से वो वाउचर यहाँ से क्लियर हो जाएगा और उसके बाद में जैसे ये जो मेमोरेंडम वाउचर थी एंट्री हमने करी थी बालाजी वाली भी, ये जो 5,000 रुपये की जो अमाउंट पे करी थी 1 अप्रैल को और इसका वादा था 1 मई को, अगर ये इसकी जो पेमेंट है वो 1 तारीख को आ जाती है तो हम इस वाउचर को यहीं से रिसिप्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसको रिसिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम जिस तारीख को है सबसे पहले तो हम वो डेट चेंज करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए 5,000 रुपये पेमेंट करिए, पेमेंट अभी तक इसकी 4,000 रुपये की आई है तो आपको यहाँ से इस वाउचर को चेंज नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप अमाउंट इसको चेंज करोगे तो ये एंट्री यहाँ से क्लियर हो जाएगी। जैसे ही आपकी 5,000 पेमेंट क्लियर होती है तो ही आपको इसको यहाँ से क्लियर करना है। अब मान लीजिए आपके पास 5,000 की जो पेमेंट आ चुकी है तो आप यहीं से इसको F6 करके इसको रिसिप्ट वाउचर में हम कन्वर्ट कर देंगे। बालाजी ट्रेडिंग को हम क्रेडिट करेंगे और कैश को हम यहाँ से डेबिट करेंगे। तो अब यहाँ पर इसका नरेशन भी चेंज हो जाएगा, कैश रिसीव्ड जो अगेंस्ट एडवांस हमने दिया था उसके अगेंस्ट में और वाउचर सेव करेंगे। तो इस तरीके से जो मेमोरेंडम वाउचर है वो सारा क्लियर हो जाएगा। जो भी मेमोरेंडम वाउचर में जो एंट्री थी अब वो सारी की सारी आपको डे बुक में शो करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम हमारी याददाश्त के लिए मेमोरेंडम वाउचर का हम यूज करते हैं। हालांकि जैसे मेमोरेंडम वाउचर से जो क्लियर होगी एंट्री वही आपको डे बुक में शो करेगी और उसके बाद में उसकी एंट्री का ही आपका सर आपकी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।